अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी मदद से जो है आप अपने जो है होम बटन से जो है अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, बैक लाइट चला सकते हैं, कोई भी फंक्शन अपने होम बटन से ले सकते हैं, साइड वाले बटन से भी ले सकते हैं, और जो है यहाँ पर जो है यूजिंग बटन से भी आप ले सकते हैं, और जो है साइडिंग वॉल्यूम बटन से भी आप वो काम कर सकते हैं। आप जो है इन बटनों में चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के बटन के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, बैक बटन के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने कुछ चेंजिंग जो की हुई हैं तो आपको मैं शो करवाता हूँ। ये देखिए, मैंने दरमियान वाला बटन जो है प्रेस करके रखता हूँ तो है मोबाइल की लाइट जो है चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये लॉक हो जाता है। ये मैंने अपनी मर्जी से चेंजिंग थोड़ी सी इसके अंदर की है तो मैं आपको भी शो करवाता हूँ। ये बैक लाइट जो है लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वो ऑन हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करके रखें तो वो ऑफ भी हो सकती है। तो इस ऐप को जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसके अंदर जो है आपको कुछ चेंजिंग करनी होगी वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। इस ऐप को आपने जो है प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है बटन, यहाँ पर जो है बटन मैपर आप जो है सर्च करेंगे, बटन मैपर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये ऐप आपको मिल जाएगी। ये न्यू लॉन्च हुई है ये ऐप जो है, ये आपको भी जो है नहीं है, कम नज़र आएगी। इसको ये रेटिंग जो है आपको देनी होगी और इसके अलावा यहाँ पर आप उसे रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग देने के बाद इसे सबमिट कर देंगे और जो है यहाँ पर आप इसे लाइक वगैरह दे सकते हैं कि ये कमाल की ऐप है। और उसके बाद जो है इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं कुछ इसकी सेटिंग वगैरह भी बताऊंगा इसके अंदर आपको क्या सेटिंग करनी है। यहाँ पर जो है 4.2 इसकी रेटिंग है, इसके यूज़र अभी बहुत कम हैं ये, क्योंकि ये न्यू लॉन्च हुई है और इस ऐप के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 500 जो है 1000 इसके जो हैं डाउनलोडर हैं। इस ऐप को आपने ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपने जो है कुछ सेटिंग वगैरह जो ये जो है आपसे कुछ परमिशन मांगेगा उसे आपने जो है नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से भी आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके टिप्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप डन कर देंगे। डन करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्हें गो कहा हुआ है, यहाँ पर आपने गो कर देना है। ओके करने के बाद आपने जो है इसे यहाँ से नीचे जो है मैप बटन को जो ऑन कर लेना है। इसकी मदद से जो है आपके मोबाइल के अंदर जो है आप अपने सभी बटन वगैरह के अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम चले जाते हैं होम बटन के अंदर और जो है हम होम बटन को जो है हम कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर जो है इसे हम ऑन कर लेते हैं। सिंगल प्रेस पे जो है ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि सिंगल प्रेस करेंगे तो ये बैक चले जाएगा टोटल। ये बटन ऐसे ही रहने दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें डबल प्रेस की तो डबल प्रेस के ऊपर हम जो है इसकी कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट वगैरह, पावर, डिसेबल। यहाँ पर जो है मैं इसे लॉक स्क्रीन कर देता हूँ क्योंकि डबल प्रेस करने से लॉक स्क्रीन करने से तो फ़ायदा ही है। डबल प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। ऐसे तो हम जो है यहाँ से ऐसे बैक करके हम लॉक करते हैं। यहाँ से हम इसे डबल बटन को जो है एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डबल बटन की तो ये देखिए डबल बटन जो है एक्टिव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है लॉन्ग प्रेस की। लॉन्ग प्रेस के ऊपर हम जो है लाइट वगैरह रखते हैं। लाइट वगैरह रखने का मकसद ये है कि अगर हम रात के वक्त हम किसी भी जगह पर हैं तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे अपने दरमियान वाले बटन को, ऐसे हम जो है ओपन करते हैं बैग जाके फ्लैश वगैरह को ऑन करते हैं तो इसके मदद से आप जो है इजीली अपना फ्लैश जो है उसे एक्टिव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करने से जो है हमारा फ्लैश ऑन हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर जो है आ जाती है वॉल्यूम बटन की ऑप्शन। वॉल्यूम बटन को भी आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, उसके अंदर इसी तरह की आप चेंजिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है आप बटन भी एक ऐड कर सकते हैं, कोई भी बटन आप बना सकते हैं, किसी भी बटन का, इस बटन का, इस बटन का, इस साइडों वालों का, पावर बटन का, टोन बटन का, किसी भी बटन का आप जो है इसके अंदर आपको जो है थीम वगैरह मिल जाते हैं। उसे अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो आई थिंक वो जो है प्रो में आएगा, वो आपको बाय करना होगा। थीम यही बेस्ट है क्योंकि फ्री में हमें ये मिल रहा है तो ये फ्री में बेस्ट रहेगा। अगर आप जो है दूसरे बटनों में चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है और भी लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग मिल जाती हैं। इसकी जो रीस्टोर वगैरह कर सकते हैं और इसकी अबाउट वगैरह देख सकते हैं कि ये किसने बनाई है और कौन से वर्जन में है और क्या क्या इसके अंदर है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देख के वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।